हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डेप्थ ऑफ फुटिंग के बारे में। डेप्थ ऑफ फुटिंग यानी फाउंडेशन कितना गहरा जाना चाहिए, इसके बारे में जानकारी करेंगे। अभी तक जो हमारा सॉइल इन्वेस्टिगेशन से हमको जो भी डेटा मिलता है उससे हम प्रॉपरली डिज़ाइन कर लेते हैं फाउंडेशन के एलिमेंट्स का, लेकिन जो फाउंडेशन के एलिमेंट डिज़ाइन कर रहा है उसको ये पता रहना चाहिए कि हमने अपना जो है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के लिए कौन कौन सा डेटा यूज़ किया है। अब डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल होगा उतना ही डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हमारा कम आएगा, और जितना बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल पुअर होगा उतना ही डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हमारा ज़्यादा आएगा। दूसरा फैक्टर आता है इसका डेंसिटी ऑफ सॉइल। जितना सॉइल ज़्यादा डेंस होगा हमारा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कम आएगा, और सॉइल अगर लूज होगा तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हमारा ज्यादा आएगा, राइट? आपका जो लोडिंग के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ता है, लोडिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। अब लोड्स में हम डेड लोड्स लेते हैं, लाइव लोड्स लेते हैं, एनवायरमेंटल लोड्स लेते हैं लाइक विंड लोड, स्नो लोड, सीज्मिक लोड। ये सारा लोड का टोटल कितना आएगा, ये सारा टोटल, इस सारे टोटल लोड के ऊपर भी हमारा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिपेंड करता है, राइट? और एक चीज और है, अगर क्ले सॉइल रहता है तो क्ले सॉइल में एक प्रॉपर्टी रहती है, वो स्वेलिंग एंड कॉन्ट्रेक्शन की उसमें प्रॉब्लम रहती है। जैसे उसमें वाटर ऐड करते हैं क्ले सॉइल स्वेल हो जाता है, और वाटर मॉइस्चर निकल जाता है तो क्ले सॉइल जो है कॉन्ट्रेक्ट हो जाता है। अब ये देखना पड़ता है कि उसकी डेप्थ कितनी है, किस डेप्थ तक हमारा जो क्ले सॉइल है वो कॉन्ट्रेक्ट भी हो रहा है और स्वेल भी हो रहा है। ऑब्वियसली जहां तक ये सोयल और कॉन्ट्रेक्शन की अपना प्रॉपर्टी शो कर रहा है वहां से नीचे ही ले जाना चाहिए हमको फाउंडेशन को, राइट? ये भी देखना पड़ेगा कि जहां पर हमारा कंस्ट्रक्शन साइट है उसके आसपास क्या पॉसिबिलिटी है कि उसका एक्सकेवेशन हमारे एक्सकेवेशन से कितना गहरा जाएगा। अगर सपोज कीजिए हमारा एक्सकेवेशन ए मीटर है और उसका सपोज कीजिए ए प्लस ए मीटर आ जाता है तो ऑब्वियसली हमारा फाउंडेशन को खतरा पैदा हो जाएगा। तो ये भी असेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि नियर बाय एरिया में क्या पॉसिबिलिटी है। ग्राउंड वाटर टेबल का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है फाउंडेशन पे। जितना फाउंडेशन से ग्राउंड वाटर टेबल नीचे हो उतना हमारी फाउंडेशन के लिए अच्छा, इसलिए हमको अपना फाउंडेशन जो है ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर ही रखना चाहिए, राइट? अगर कहीं पर सैंडी सिल्ट आ जाता है तो वहां पर फ्रॉस्ट पेनिट्रेशन का खतरा आता है सैंडी सिल्ट में, तो फ्रॉस्ट पेनिट्रेशन लेवल से हमारे फाउंडेशन को नीचे ले जाना चाहिए। तो किसी भी केस में 0.5 मीटर से नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें तो हमारा फाउंडेशन का आइडियल डेप्थ आ जाता है 1 to 1.5 मीटर। तो इसको अगर हम अपना समराइज करें तो हमको क्या करना चाहिए फाउंडेशन की डेप्थ के लिए कि कभी भी लो बियरिंग कैपेसिटी के लिए हम फाउंडेशन को सेटल नहीं करें वहां पर, लो बियरिंग कैपेसिटी सॉइल पे वहां पर अवॉइड करें। और दूसरा, जहां पर भी सेटलमेंट ऑफ सॉइल ज्यादा है वहां पर भी हमको अवॉइड करना चाहिए फाउंडेशन को। अब लो बियरिंग कैपेसिटी पे अवॉइड करेंगे और सेटलमेंट पे अवॉइड करेंगे तो आप बोलेंगे कि जहां जो हमको सॉइल मिलेगा उसी के ऊपर तो हम लोग अपना फाउंडेशन बनाएंगे, तो उसके भी प्रोसेसेस रहती हैं। जब ज्यादा सेटलमेंट वाली सॉइल का ऑब्वियसली बियरिंग कैपेसिटी लो ही रहता है तो सॉइल को इम्प्रूवमेंट किया जाता है, सॉइल इम्प्रूवमेंट टेक्निक से, स्टेबलाइजेशन से, कॉम्पेक्शन से, प्रॉपरली कॉम्पैक्ट करके, या जितना लो बियरिंग कैपेसिटी वाला सॉइल है या जितना लूज सॉइल है, जितना ज़्यादा सेटलमेंट वाला सॉइल उसको वहाँ से रिमूव किया जाए, एक्सक्रीवेट करके अपना फाउंडेशन लेवल को नीचे ले आया जाए। अगर इन केस ऐसा हो जाता है कि वो आपका जो लूज सॉइल या लो बियरिंग कैपेसिटी वाली सॉइल काफ़ी नीचे तक जा रही है तो हमको फाउंडेशन के डिज़ाइन को रिकन्सिडर करना पड़ेगा। In place of shallow foundation, we should consider for deep foundation. फिर वहाँ पर हम pile foundation, caisson foundation के बारे में बात कर सकते हैं, वहाँ पर change कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। जहाँ पर भी loose soil है, वहाँ पर भी हमारे को construction को avoid करना चाहिए। Loose soil means disturbed soil है या loose soil है, पहले से ही कोई soil exploration के लिए, geological investigations के लिए हमने उसमें sampling की हुई है, तो उन sites को भी avoid करना चाहिए या उसको भी काफ़ी नीचे तक ले जाना चाहिए। ग्राउंड वाटर शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड। जैसा कि पहले बताया, जहां पर भी ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर है हमको कोशिश करके अपनी फाउंडेशन को उससे थोड़ा सा ऊपर ले जाना चाहिए। हमारी
साइट्स पर काफी सारी सॉइल्स ऐसी हैं जिसमें ऑर्गेनिक मैटर मिला हुआ रहता है, तो ऑर्गेनिक मैटर में सेटलमेंट ज्यादा होता है और बियरिंग कैपेसिटी भी लो होती है, तो अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले तो साइट क्लियरेंस में सारा ऑर्गेनिक मैटर वाला सॉइल को हटा देना चाहिए। अब बात करते हैं हम मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन की, क्योंकि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के लिए तो इतने सारे क्राइटेरियन थे, लेकिन मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो हम निकालते हैं रैंकाइंस मेथड से। रैंकाइन मेथड क्या बोलता है कि आपका जो मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन d इज इक्वल टू p बाय गामा 1 माइनस साइन फाइ अपॉन 1 प्लस साइन फाइ। इसको हम आपको बोर्ड पे लिख देते हैं क्योंकि इसी पे एक न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करेंगे। से d इज इक्वल टू p बाय गामा 1 माइनस साइन फाइ अपॉन 1 प्लस साइन फाइ होल स्क्वायर। यहां पर d इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है और p है अप्लाइड लोड या अप्लाइड स्ट्रेस, गामा यूनिट वेट ऑफ द सॉइल है और आपका जो फाइ है वो एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब होता है हम कोई भी लूज मटेरियल अगर ग्राउंड पर डंप करते हैं तो वो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर्स बनाता है, कोई इस टाइप का बनाएगा, कोई इस टाइप का बनाएगा, ऐसा हीप्स बनते हैं। अब जो हीप बनते हैं तो अलग अलग सॉइल के हिसाब से अलग अलग हीप बनते हैं। ये जो एंगल रहता है आपका हॉरिजॉन्टल के साथ इसका हीप का, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज को भी कंसिडर करते हैं क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज से हमारा सॉइल का कंडीशन हमको पता पड़ता है। तो इस पे अगर हम न्यूमेरिकल एक सॉल्व करें, देखें फॉर एग्जांपल अगर हमारा पास बियरिंग कैपेसिटी से पी है आपका 150 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर और डेंसिटी ऑफ सॉइल है हमारा 18 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर और फाइ जो है हमारा एंगल ऑफ रिपोज है 30 डिग्री, सो देन putting this value d is equal to p by gamma 1 minus sine phi upon 1 plus sine phi whole square। यहां पर values put करने से हमारा depth of foundation आ जाएगा say 150 by 18 1 minus sine 30 upon 1 plus sin 30 whole square, it will come out to be 0.926 meter। calculate करके देख लीजिएगा। तो अब हमारा अगर किसी भी condition से हमारा depth of foundation किसी criteria से इससे कम आता है, 0.926 से कम आता है, तो हमको यहाँ पर minimum depth of foundation 0.926 ही लेना पड़ेगा। लेकिन यहीं पर हमको रुकना नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हमको कंसिडर करना पड़ता है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के लिए। वो हमारे जो है आईएस कोड 1904 में के क्लॉज नंबर 7.2 में लिखे हुए हैं, जिसमें बोलता है कि इन एनी केस, किसी भी केस में हमारा जो फाउंडेशन का डेप्थ है 0.5 मीटर से नहीं नीचे जाना चाहिए। अलग अलग सॉइल्स के लिए उनकी वैल्यू है, जैसे सैंडी सॉइल के लिए उनकी वैल्यू है 0.8 मीटर से लेकर 1 मीटर तक, राइट। इसी तरीके से अगर रॉकी सॉइल है या काफी अच्छी बेयरिंग कैपेसिटी का रॉक है तो वहां पर उनकी वैल्यू है 0.05 से लेकर 0.5 मीटर तक, राइट। क्लेई सॉइल के लिए ये वैल्यू है 0.9 से लेकर 1.6 मीटर तक, और लोड बेयरिंग वॉल्स के लिए हमारी ये वैल्यू है 900 mm और 0.9 मीटर। तो यहाँ पर अपना आईएस कोड को अगर रेफर करेंगे तो हमको इनको भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, इन वैल्यूज में से भी जो हमारा मैक्सिमम आए उसको हमको वैल्यू पुट करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात किया डेप्थ ऑफ फुटिंग के बारे में। डेप्थ ऑफ फुटिंग को अगर साथ में लेके और मिनिमम डेप्थ ऑफ फुटिंग का कंसेप्ट साथ में लेके चलेंगे तो हमारा जो फाउंडेशन है बहुत ही अच्छी सर्विस देगा और बहुत अच्छा स्ट्रांग और ड्यूरेबल बनेगा, उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी आएगी। सर्विसेबिलिटी जो हमारा वो सेटलमेंट कैरेक्टरिस्टिक से गवर्न होती है और स्ट्रेंथ जो है हमारी बेयरिंग कैपेसिटी से गवर्न होती है, और इसलिए यहाँ पर हम दोनों को ही कंसीडर करते हैं, बेयरिंग कैपेसिटी को भी कंसीडर करते हैं और सेटलमेंट को भी कंसीडर करते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।